नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको SSC GD का फार्म, अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपके फार्म में कोई मिस्टेक हो गई है या आपका फार्म जो है रॉन्ग हो गया है या गलत फिल हो गया है या फोटो जो है सही प्रकार से अपलोड नहीं कर पाए हैं या कोई भी गड़बड़ आपके फार्म में कोई भी मिस्टेक है, तो आप उसको कैसे सुधारेंगे, उसकी डेट क्या होगी, जब आपको करेक्शन विंडो ओपन होगी, रीअप्लाई आपको कैसे करना है, मतलब दोस्त आपको अपना फार्म रीअप्लाई कैसे करना है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको रीअप्लाई फार्म करना बताएंगे कि SSC GD का फार्म आपको रीअप्लाई कैसे करना है। तो आपको SSC की ऑफिशियल साइट पे आना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल में आके गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको SSC डाल के सर्च करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई देगा आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो इस प्रकार से SSC की ऑफिशियल साइट दिखाई देगी। तो यहाँ आने के बाद आपको इसे डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन कर लेना है। जैसे ही डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी SSC की ऑफिशियल साइट। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज में देखना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो फिल किए होंगे आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय, तो आपको वही पासपोर्ट जो है इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्त लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो आपका फार्म अप्लाई वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ हम दिखाते हैं आपको कुछ इस प्रकार से जो है आपका पेज जो है ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद दोस्त आपको किस प्रकार से करेक्शन करना है और इसकी डेट क्या होगी, यहाँ पर हम आपको करेक्ट डेट बताएंगे कि इस डेट आपका जो है रीअप्लाई फार्म स्टार्ट होगा और आपको कुछ इसी प्रकार सेम स्टेप आपको करना है दोस्त। तो यहाँ आपका जो है आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। देखिए दोस्त यहाँ पर जितने भी फार्म SSC द्वारा अप्लाई होते हैं उनका जो है करेक्शन डेट 2 से 3 दिन होता है। अगर इसके बीच में आपने अगर अपना फार्म का करेक्शन नहीं किया तो आप करेक्शन कर नहीं सकते दोस्त, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी बढ़ गई है दोस्त। अगर आप इसमें फार्म जो है गलत फिल कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपका फार्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से आपको फिल करना है। तो यहाँ अभी रीअप्लाई जो है ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, ये जो 30 आपका जो ऑनलाइन डेट है ख़त्म होगा जैसे, तो उसके दो दिन उसके बाद जो है आपको रीअप्लाई करने का मौका मिलता है। तो उसी 30 के बाद 1 या 2 में रीअप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर को। तो उसके बाद 1 दिसंबर को जो है आप रीअप्लाई कर सकते हो दोस्त। यहाँ आपको एक न्यू विंडो ओपन हो, यहाँ न्यू ऑप्शन जोड़ दिया जाता है रीअप्लाई का। देखिए दोस्त यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा जितने भी फार्म यहाँ अप्लाई हुए हैं उसमें करेक्शन विंडो जो है ओपन किया गया था। तो जितने भी फार्म होते हैं SSC द्वारा उसमें करेक्शन विंडो जो है ओपन होता है, आप उसी समय अपना करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जो है अपना फार्म करेक्शन कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्त आज के इस वीडियो में न्यू अपडेट पाने के लिए।